शं मित्रः शं वरुणः शं भवत्वरियमः शं इन्द्रो बृहस्पतिः शं विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्भवोव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवचसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीते नाहोरात्रं
संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति ओम भद्रं नो अपिवातय मनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाच्छवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धेप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रवरयितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्यशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादञ्च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्म उसे अनंतम एक पद है। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? अविद्यमान अंतुयस्य अंत परिच्छेद देश काल वस्तु परिच्छेद रहित वस्तु परिच्छेद रहित का अर्थ उससे भिन्न कुछ भी नहीं। तो जो अपने स्वरूप हम आत्मा है तो ब्रह्म उससे भिन्न होगा तो वस्तु परिच्छेद हो परिचिन्न हो जाएगा। वस्तु परिच्छिन्न है ही नहीं तो एक ही तत्व है। तो अनंतमिति अनेन च आत्मिकं ब्रह्मण उक्तम अनंत शब्द के द्वारा ही
ब्रह्मण आत्मैक्यम, ब्रह्म आत्मा से एक है, अभिन्न है। आत्मा ब्रह्म कोई भिन्न होगा तो वह वस्तु परिचन्न हो जाएगा, आत्मा भी परिचन्न होगा ब्रह्म भी। आत्मैक्यम ब्रह्मण इत उक्तम अनंत मितन उक्तम, अनंत पद से ही ऐक्य सिद्ध हो गया, अद्वितीय और कुछ नहीं। इसको ये अभिप्राय करके तो अभिप्रत्य ऐक्य शास्त्र तात्पर्य दर्शाई थी। ये तो अनंत पद से हुआ, शास्त्र का तात्पर्य भी ऐक्य में है, जीव ब्रह्म की एकता में ही शास्त्र का तात्पर्य दिखाते। आगे श्रुति में स्वयं आया तो आगे जो श्रुति में आया आकाश आदि की उत्पत्ति, इसको दिखाने के लिए एक ही तत्व है शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय में है, इसके लिए श्रुति में आया आकाश आदि की सृष्टि। तस्माद वाये तस्माद आत्मन इति आकाश आदि संभूत आया, ये तस्माद वाये तस्माद आत्मन, तस्माद करके तस् शब्द छदेव समय दमग्र आशित एक द्वितीय मुखर जो सदरूप है, तस्माद वा ये तस्माद करिए आत्मन इति ब्रह्मणि एव आत्मशब्द प्रयोगात, ब्रह्म में ही है कि जो ब्रह्म जगत कारण, तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश आदि उत्पन्न हुए, तस्माद और ये तस्माद आत्मा दोनों एक का, तो ब्रह्म में ही आत्मशब्द प्रयोग करने से वेदितुर आत्मा एव ब्रह्म, जिसको ज्ञान होगा वेदिता ज्ञाता, ज्ञाता का ब्रह्म अपने स्वरूप ही ब्रह्म है, आत्मा एव ब्रह्म, अपने स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म, ब्रह्म अपने से भिन्न नहीं। क्योंकि पहले तो अनंत शब्द से हुआ और तस्माद वाई तस्माद करके तत्मात तत्पद से जो सदरूप ब्रह्म जगत कारण तत्पद से परामर्श होगा, ये तस्माद आत्मा कर ये आत्मा है, ब्रह्म में आत्मा शब्द प्रयोग करने से आत्मा स्वरूप ही ब्रह्म है। एतम आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामति इति च, इस आनंद में आत्मा को प्राप्त करता है, इस अर्थ को लेकर के आनंद में आत्मानं उपसंक्रामति जो दिया है टिप्पणी दे दिया, वृत्तिकार मत को लेकर के पांच नंबर वृत्तिकार नयन आनंदमय ब्रह्म विवक्षित्व इदमुक्तम, आनंदमय को ब्रह्म और उपसंक्रांति करते प्राप्ति इस मान कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ये अर्थ करके कहा आनंदमय आत्मा है कौन से, आनंदमय को निराकरण करके ब्रह्म पुच्छपति से आत्मा है सिद्धांत के अनुसार है, तो जो स्वयं जो प्राप्त करेगा स्वयं अपने स्वर को प्राप्त करता है, जो सबके ब्रह्म पुच्छा प्रतिष्ठा करके ब्रह्म उसके स्वरूप कहा आत्मा जीव आत्मा ये अन्नमय प्राणमय मनमय से करते करते अंत में सबका निराकरण करके ब्रह्म स्वरूप होता है, तो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तत्प्रवेशाच तस्य प्रवेशाच, जो सृष्टिकर्ता उस जीव रूप से प्रविष्ट है, श्रुति कहती तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत, सृष्टि करके तदेव जो सृष्टिकर्ता अनुप्र अविशत पश्चात प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट कर लिया सृष्टिकर्ता एक त्वा प्रत्यय समान करते हुए पूर्व काले, जो सृष्टिकर्ता वही प्रविष्ट हुआ जीव ऋषि इति च तस्यैव ब्रह्मण सृष्टिकर्तु जीव रूपेण शरीर पद प्रवेश दर्शयति, श्रुति दिखाती दिखाती वही जीव रूप से शरीर में प्रवेश दिखाती। अतो वेदित स्वरूपम ब्रह्म, ऐसे वेदिता जो ज्ञाता है उसका स्वरूप ही ब्रह्म है, अलग नहीं। टीका में ब्रह्मण आत्मैक्यम चेत विवक्षितम, आत्मना सैक्यम ब्रह्मण एक ही तत्व ऐसे विवक्षित शास्त्र के द्वारा, तरी ज्ञान शब्द से भाव साधनत्व व्याख्यानम भाव साधनत्व व्याख्यानम, ये तो ज्ञान शब्द का भाव साधन करके ज्ञान ज्ञप्ति ज्ञान जो कहा है, तो ये तो उसका व्याख्यान का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान अधिकरण होता है, ज्ञान का तो ज्ञप्ति ज्ञान कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप कैसे होगा, भाव कैसे व्यापार कैसे होगा। इतिहा एवं तरी भाष्य में एवं तरी आत्मत्वाज
ब्रह्म जी आत्मा हो गया क्या होगा? ज्ञानाधिकरण में आत्मा तर्क संग्रह बताते, ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का जो आश्रय मतलब ज्ञाता है, चैत्र ज्ञान का अधिकरण, घट ज्ञान का अधिकरण, तो ज्ञाता कौन होगा? वो ज्ञान आश्रय तो ज्ञातृत्व, तो ज्ञाता हो ज्ञान का आश्रय हो तो ज्ञान का कर्ता हुआ, ज्ञान का आश्रय का तो घट ज्ञान का कर्ता हो गया चैत्र, घटम जानाति, जो जानता है वही ज्ञान का आश्रय हुआ, वही ज्ञाता हुआ, ज्ञाता जानाती थी ज्ञाता, ज्ञाता से त्रिज प्रति करें कर्तरी, जो जानाती सब ज्ञाता, तो ज्ञान जानाते अंतर ज्ञानम करोती, पचति का अर्थ पाकम करोती, गच्छति का अर्थ गमनम करोती, और जानाति का अर्थ ज्ञानम करोती, तो ज्ञान का कर्ता हुआ। तो इसलिए क्या हुआ, यदि ब्रह्म आत्म हो गया एक हुआ एवं तरी आत्मत्वाद ब्रह्मण, तो ज्ञान कर्तृत्वम आत्मा ज्ञाता इति प्रसिद्धम, ज्ञान कर्तृत्वम आत्मा ज्ञाता इति प्रसिद्धम, तो ब्रह्म भी ज्ञान कर्ता हो जाएगा। तो ज्ञान कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान का कर्ता हो गया, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में ज्ञान का अर्थ भाव करेंगे तो ज्ञान का कर्ता कैसे होगा? ज्ञान ही यदि ब्रह्म होगा तो ज्ञान का कर्ता कैसे होगा? आत्मा ज्ञाता का, इसलिए जो ज्ञान भाव साधन कहते थे उसका त्याग करना पड़ेगा, सब व्याख्यान ये तो ज्ञान का अर्थ करना पड़ेगा। ज्ञायते अस्मिन् इति अधिकरण करो, जिसमें ज्ञान होता है, तो ये करेंगे तो ज्ञान स्वयं में आत्मा ब्रह्म ज्ञान, ऐसे ज्ञान का अर्थ ज्ञम्ति रूप ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का अधिकरण करना पड़ेगा। और इसमें भी और है, स्व काम तिथि जो कामिनो ज्ञान करते तो प्रसिद्धि, स्व काम है तो उसने कामना की, इच्छा की, जो कामना करेगा काम का भी करता है, इच्छा करता है तो काम, अकाम है तो कामना की, तो फिर इतने कहे कामना करने से ज्ञान का कर्ता कैसे हुआ? कामना का कर्ता हो सकता है, ज्ञान का कैसे? ये आगे कहते इसे कामिनो ज्ञान कर्तृत्व प्रसिद्धि, जो चाहता है और फिर काम जानाती इच्छति यतते, इच्छा करता है तो उसके पहले ज्ञान, दो नंबर में काम कर्तृत्व इधर न ज्ञान कर्तृत्व कामिन, कामित्व न ज्ञान कर्तृत्व अन्वय, इच्छा करता है, इच्छा किसी वस्तु को करता है तो उसका ज्ञान उसके पहले हुआ। टिप्पणी में कामित्व न एक पद, कामित्व न कामी होने से ज्ञान कर्तृत्व का अनुमान हो जाएगा, कोई किसी वस्तु की इच्छा करता है, इच्छा करता है तो उसी वस्तु को उस वस्तु का ज्ञान उसको है, तो अनुमान हो जाएगा कि चाहता है तो इसको भी जानता है, किसी वस्तु की इच्छा करता है तो ज्ञान करते तो ये ज्ञान करता है तो जानाती, फिर इच्छा होती, फिर यत्न करता है, कामिनो ज्ञान करते तो प्रसिद्धि, सो कामाय कामे तो श्रुति में कहा गया इसको ज्ञान का कर्ता हो जाएगा। तो फिर क्या सिद्ध हुआ? अतो ज्ञान कर्तृत्वाज ज्ञान से कर्ता हो गया आत्मा, ही ब्रह्म हो गया, तो ब्रह्म अनंतम ब्रह्म में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान का तो ज्ञम्तिर्ब्रह्म इति जो कहा था इति अयुतम, ज्ञम्तिर्ब्रह्म इति अयुतम, पहले जो व्याख्यान किया था भाव साधना करके ज्ञान का था ज्ञम्ति हुई ब्रह्म, ये तो ठीक नहीं हुआ। टीका में इतश्च भाव व्युत्पत्तिर असंगति इत्याह, यहाँ अयुतम के आगे स्वल्प विराम कर देना, थोड़ा अलग पूर्ण विराम थे थोड़ा चिन्ह कर देना, क्योंकि यहाँ तक हो गया अयुतम, और दूसरे कारण क्या है अनित्यत्व प्रसंगाच, इतश्च इस कारण से भी भाव व्युत्पत्ति असंगता, ज्ञान में भाव व्युत्पत्ति ज्ञम्तिर ज्ञान भाव में ल्युट जो ज्ञान में ये न संगत नहीं, ज्ञान यदि भाव ज्ञान होगा, ज्ञान जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान इसी ज्ञान ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यदि ज्ञान स्वरूप ज्ञाति कहेंगे तो जैसे लौकिक ज्ञान घट ज्ञान आदि नष्ट होते हैं, ऐसे ब्रह्म भी ज्ञान होगा तो अनित्यत्व प्रसंग आच ब्रह्मण अनित्यत्व की आपत्ति। यदि नाम ज्ञप्तिर्ज्ञान इति भाव रूपता ब्रह्मण, पहले तो ज्ञान शब्द भाव उत्पत्ति नहीं है, भाव उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान का कर्ता है तो ज्ञान कर्ता को ज्ञान कैसे कहेंगे,
ये तो एक दोष तो रहा। फिर यदि नाम ज्ञान मिति भाव रूपता ब्रह्मण, यदि से मानो किसी प्रकार आप यदि कहोगे ज्ञान करके भाव रूप है ब्रह्म ज्ञान रूप है, यदि ब्रह्म ज्ञान रूप हो गया भाव रूपता ज्ञान रूपता ज्ञान रूप तो क्या होगा, तथापि अनित्यत्व प्रसज्ये तब तो अनित्यत्व की आपत्ति आएगी, अनित्य हो जाएगा। और पारतंत्र्य जो ज्ञान है, ज्ञान का आश्रय कोई होता है, ज्ञान का कर्ता कोई होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। भाव क्रिया व्यापार होगा, व्यापार तो किसके द्वारा होगा, किस में आश्रित तो होगा, परतंत्र हो जाए, स्वतंत्र नहीं हो सकता है। क्यों परतंत्र होगा, कारण क्या है, भाव तो धातुअर्थ क्रिया व्यापार, धातुअर्थ ना कार का अपेक्षत्वाद, जो धातुअर्थ है पाक याग गमन दर्शन जितने धातुअर्थ है वो तो कारक सापेक्ष क्रिया है, कारक सापेक्ष करोति क्रिया निर्वर्तयति कारक, क्रिया संपादन करने वाले कारक होता है। क्रिया यदि धातुअर्थ व्यापार होगा कोई कारक चाहिए, कारक कोई नहीं होता पाक कैसे होगा, पाठ कैसे होगा, पढ़ने वाला नहीं तो पाठ कैसे, गमन करने वाला कोई नहीं तो गमन कैसे होगा, पाक करने वाला नहीं तो पाक क्रिया पाक कैसे बनेगा। तो ये कारक सापेक्ष होता है। तो ज्ञान यदि इस प्रकार भाव साधना करेंगे कारक सापेक्ष हो जाए, अन्य सापेक्ष होगा तो स्वतंत्र नहीं पारतंत्र हो गया। ज्ञान क्या है, ज्ञान च धातुअर्थ, भाव में करेंगे तो ज्ञान धातुअर्थ, ऐसे पाठ पठ धातु का अर्थ, गमन गम धातु का अर्थ है, गमन धातुअर्थ है ज्ञान, न तो क्या होगा वो भी अन्य सापेक्ष हो जाएगा और अनित्य हो जाएगा। धातुअर्थ जो क्रिया है अनित्य है, अतः से अनित्यत्व और दूसरा क्या दोष है परतंत्रता से, जो पारतंत्र का यहाँ तक आक्षेप होने पर सिद्धांति उत्तर देगा। ठीक है, हमें वृत्तिमत अंतकरण उपहितत्व आत्मन ज्ञातृत्व न स्वतः, आत्मा में जो ज्ञातृत्व ऐसे लगता है हम जानामी, आत्मा ज्ञाता ऐसे प्रतीत होता है ज्ञातृत्व, शुद्ध आत्मा में ज्ञातृत्व नहीं होगा, शुद्ध आत्मा में तो कोई धर्म नहीं, तो हम जानामी अहम ज्ञाता चैत्र ज्ञाता, चैत्र घटम प्रसिद्धि चैत्र ज्ञाता है, अहम ज्ञाता यह अनुभव होता है। तो इसमें क्या है, उपाधि युक्त होकर के आत्मा में ज्ञातृत्व, शुद्ध आत्मा में ज्ञातृत्व नहीं, उपाधि युक्त को उपहित कहते हैं। उपहित हो क्या, उपाधि युक्त, उपाधि क्या है अंतकरण है, खाली अंतकरण उपाधि युक्त हो गया ज्ञातृत्व नहीं, अंतकरण तो हमेशा है, अंतकरण तो रहता है, तो जितने सब अंतकरण था उतने सब ज्ञान होता है, इसे जरूरी नहीं। इसलिए कैसे अंतकरण, वृत्तिमत वृत्ति वाला अंतकरण का परिणाम वृत्ति है, जो इंद्रिय संबंध होने पर अंतकरण का परिणाम होता है, इंद्रिय के द्वारा मन अंतकरण बाहर जाकर घटाकार पटाकार परिणाम होता है, किसी विषय का ज्ञान होता है उसमें तदाकार परिणाम हुआ वृत्ति, वृत्ति वाला जो अंतकरण वृत्तिमत वृत्तिमत वृत्ति वाला अंतकरण, अंतकरण रूप उपाधि से युक्त होने पर ही, वृत्ति वाले अंतकरण रूप उपाधि से युक्त होने पर ही आत्मा में ज्ञातृत्व, स्वतः आत्मा में ज्ञातृत्व नहीं, इसलिए ज्ञातृत्व आया वृत्तिमत अंतकरण उपहितत्व उपाधि युक्त होकर के, स्वपाधि का में ज्ञातृत्व है, शुद्ध में नहीं स्वतः नहीं। और भाव साधनों से कार्य हो गया, जैसे गमन पठन आदि कार्य है, ज्ञान में भी कार्य तो होगा, कैसे कार्य तो ज्ञान से अंतकरण वृत्ति उपहितत्व है ना, अंतकरण वृत्ति उपहित होकर के उपहित चेतन हो गया ज्ञान, शुद्ध जो ज्ञान है अंतकरण वृत्ति उपहित हो गया तो कार्य उत्पन्न, अंतकरण वृत्ति उत्पन्न की उत्पत्ति होने से वृत्ति उपहित ज्ञान की उत्पत्ति। आकाश को नित्य मानने वाले नायक लोग आकाश को नित्य मानते तो भी घटाकाश को नित्य नहीं कर सकते, क्यों घट अनित्य है, घट की उत्पत्ति हो तो घटाकाश की उत्पत्ति, घट को तोड़ दिया तो घटाकाश का नाश, तो घट उपाधि युक्त होकर के उत्पत्ति नाश आकाश में,
आकाश नित्य हो तो उत्पत्ति नाश नहीं तार न्याय मत के अनुसार, तो भी घट की उत्पत्ति नाश है। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान तो नित्य ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो कार्य नहीं होगा तो भी प्रतीत होती क्या ज्ञानम जायते नश्यति। तो ज्ञान जो उत्पत्ति नाश वाला ज्ञान कहते शुद्ध मुख्य ज्ञान नहीं, ये तो उपहित ज्ञान। अंतकरण वृत्ति उपहित हो गया तो वो कार्य होगा, अंतकरण वृत्ति उत्पत्ति हुई तो वृत्ति उपहित ज्ञान, वृत्ति उपहित ज्ञान कारण से वो कार्य उत्पन्न होगा नष्ट होगा। इसलिए कार्य तो ज्ञान में अंतकरण वृत्ति उपहित होकर के, और आत्मा में ज्ञातृत्व तो हो गया वृत्ति मत अंतकरण उपहित होकर के। तथा आत्मा भिन्नत्व भी ब्रह्मण, आत्मन अभिन्नत्व भी आत्मा से अभिन्न होने पर ही ब्रह्मण, उसमें ज्ञान करते तो आत्मा में भी स्वतः ज्ञान करते तो है, तो आत्मा से अभिन्न ब्रह्म में भी स्वतः ज्ञान करते तो न, और ज्ञान में भी कार्यत्व भी नहीं। आत्मा से अभिन्न होने पर भी ज्ञान तो वृत्ति उपहित होता है ना, भी कार्यत्व प्रसज्यति ही दोष दिया था। एक ज्ञान कर्तृत्व क्या पति और वो अनित्यत्व कार्य तो हो जाएगा, कार्यत्व तो अनित्य हो जाएगा कार्य, तो ये दोनों का न भाष्य में स्वरूपा व्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारा, स्वरूप अव्यतिरेकेण स्वरूप ही अभिन्न स्वरूप ही, उससे भिन्न नहीं, भिन्न नहीं तो फिर कार्य कैसे होगा। वो कार्यत्व का उपचार ब्रह्मात्मा एक स्वरूप है, वो अलग है ही नहीं, तो ज्ञान भी उसका स्वरूप है, स्वरूप अव्यतिरेकेण स्वरूप से भिन्न नहीं बन से, उसे ज्ञान में कार्यत्व का गौण प्रयोग होता है, कार्यत्व उपचार है गौण प्रयोग। उसका अर्थ करते आगे आत्मा, आत्मन स्वरूपम ज्ञम्ति, जो ज्ञान ज्ञम्ति है वो स्वरूप है, स्वरूप से भिन्न नहीं, स्वरूप अव्यतिरेकेण स्वरूप से अभिन्न, आत्मस्वरूप से अभिन्न ही ज्ञम्ति ज्ञान, आत्मन स्वरूप ज्ञम्ति न तत्व व्यतिरिच्यते। उसका अर्थ न न स्वरूपा व्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारात्, जो सिद्धांति का वाक्य उसका ही व्याख्यान, स्वरूप है किसका स्वरूप है, आत्मन स्वरूप, आत्मन स्वरूप कौन है ज्ञान ज्ञम्ति, जो ज्ञान है आत्मा का अपना अपना स्वरूप है, आत्मन आत्मा अलग स्वरूप वाला नहीं है, एक ही है। न तत्व व्यतिरिच्यते, आत्मा से भिन्न ज्ञान है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, अतो नित्य आत्मा नित्य है तो ज्ञान भी नित्य है। तो स्वरूप व्यतिरिकेण कार्य कैसे हो, कार्य नहीं तो नित्य है, नित्य है तो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे प्रयोग होता है, ज्ञान कार्य तो कैसे होगा। तथापि ज्ञान की उत्पत्ति बताते कैसे, बुद्धेर उपाधि लक्षणायास लक्षणायास चक्षुरादि द्वारे विषय कारण परिणामी न्याय, ये शब्दादि आकार भाषास त आत्मविज्ञान से विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ते। तथापि बुद्धेर उपाधि लक्षणाया समानाधिकरण षष्टि, उपाधि लक्षण यस्या वृद्धे सा वृद्धि उपाधि लक्षण, लक्षण कहते हैं स्वरूप, उपाधि स्वरूप है बुद्धि, उपाधि है उपाधि स्वरूप बुद्धि, बुद्धि उपाधि है बुद्धि उपाधि, जो उपाधि स्वरूप बुद्धि है वो परिणामिनी है, बुद्धि परिणामिनी है, आगे परिणामिन्या परिणामिन्या षष्ठी अंत है परिणामिन्या बुद्धि, बुद्धि का परिणाम कैसे होता है कहने रूपेण विषय कारण, अंतकरण बुद्धि उसके परिणाम होता है वृत्ति, विषय कारण परिणाम यस्यास्ति सा परिणामिनी, परिणामिनी होगी बुद्धि, बुद्धि परिणाम हुआ किस प्रकार परिणाम हुआ, विषयाकार परिणाम, विषयाकार परिणाम कैसे होगा, बुद्धि तो अंदर विषय बाहर, इसलिए कहा चक्षुरादि द्वारे ही, चक्षुरादि द्वारे के द्वारा ही विषय के साथ संबंध हो जाता, अंतकरण में जाकर घट के साथ घट रूप प्रसादी के साथ, तो इंद्रिय चक्षुरादि के द्वारा विषयाकार से परिणाम होने वाला जी बुद्धि है जो कि आत्मा के लिए उपाधि, इसे जो बुद्धि हुई परिणामिना बुद्धिया,
ये शब्दादि आकार भाषा, तो क्या होगा, बुद्धि में ही आकार हो गया, बुद्धि जाकर घटाकार परिणाम पटाकार परिणाम हो गया, शब्दाकार रूपाकार शब्दादि आकार अभाषा, शब्दादि आकार का भास हुआ वृत्ति में, शब्दादि आकार वृत्ति, शब्दादि आकार वृत्ति भान हुआ, ते आत्मविज्ञान से विषय होता, वह आत्मविज्ञान के विषय, आत्मविज्ञान साक्षी उनको प्रकाश करता है, वो स्वयं आत्मज्ञान नहीं है, शब्दादि आकार अभास हुआ वृत्ति है, आत्मविज्ञान साक्षी का विषयभूत, साक्षी का विषयभूत होकर के वो स्वयं विषय उत्पत्ति नाश को प्राप्त करता है, जो वृत्ति ज्ञान विषयभूत है कौन हो, आभास वृत्ति उत्पद्यमान एव आत्मविज्ञान व्याप्ता उत्पद्यन्ते, जो वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति होती, वृत्ति शब्दादि आकार वृत्ति है जो उत्पत्ति होती है, उसको चैतन्य प्रकाश करता है, चैतन्य के विषय साक्षी चैतन्य, साक्षी चैतन्य व्यापक है, चेतन शुद्ध, उसे प्रकाशमान होकर के ही आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर के ही उत्पद्यन्ते, कुलाल घट बनाता है तो घट बनाते तो जो घट उत्पन्न होता है कितने देर बाद उसका प्रकाश के साथ संबंध होगा, घट उत्पत्ति के साथ प्रकाश से संबंध होकर के उत्पन्न होता है, प्रकाश रही तो पहले घट उत्पन्न होगा उसके बाद तो प्रकाश संबंध नहीं, प्रकाश में घट बनाता है तो प्रकाश है ही, धूप में बैठ कर बनाएगा तो धूप सूर्य साक्षात प्रकाश, जैसे घट उत्पत्ति होती, घट की उत्पत्ति होती प्रकाश संबंध होकर के आकाश युक्त हो करेगी, इसी प्रकार जो वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो वो साक्षी रूप आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर के, क्योंकि साक्षी रूप आत्मविज्ञान साक्षी व्यापक है, जब वहाँ इस आकाश से युक्त होकर के व्याप्त होकर घट की उत्पत्ति, नहीं घट पहले बन जाएगा बाद में आकाश आएगी, सानी आकाश सर्वव्यापक, इसलिए आत्म के ही वृत्ति की उत्पत्ति होती है, ये वृत्ति घटा शब्दादि आकार वृत्ति, शब्दादि आकार आवास जिसको ज्ञान शब्द कहते हैं, आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर के उत्पत्ति होती है, आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर उत्पन्न होने से उसको आत्मविज्ञान शब्द से कह देते, यद्यपि वृत्ति है जड़, आत्मविज्ञान से उसके प्रकाश होने से घट को हम जब देखते हैं प्रकाश अलग घट अलग नहीं लगता है, घट देखते उसमें प्रकाश युक्त होकर के, इसी प्रकार आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर उत्पन्न होने से वही घट ही जो दिखित वृत्ति है वही ज्ञान रूप भान होता है, इसलिए तस्माद आत्मविज्ञान भाषाश्च ते विज्ञान शब्दवाच्याश्च धात्वर्थ भूता आत्मनैव धर्मा विक्रिया रूपा इति अविवेक ही परिकल्प, अविवेक भी परिकल्पते, इसे जो वृत्ति ज्ञान क्या हुई, आत्मविज्ञान अभाषा, आत्मविज्ञान है ना अभाषा, ये शाम चारों टिप्पणी हो गया, आत्मस्वरूप विज्ञान से आभाष, आत्मविज्ञान आभा अवभाष हो पर ना आत्मविज्ञान अवभाषाश्च, आत्मविज्ञान अवभाषाश्च, आत्मस्वरूप विज्ञान से अवभाष आभास अवभाष है, आत्मस्वरूप विज्ञान से अवभाष, हाँ ठीक है, आत्मस्वरूप विज्ञान श्याव भाषा वो छुट गया, हाँ आत्मस्वरूप विज्ञान से अवभाष येषु ज्ञानेषु ते आत्मविज्ञान अवभाषा, विज्ञान शब्द वाच्य जिसको ज्ञान शब्द से कहते हैं उसे आत्मविज्ञान का अवभाष होता है, आत्मविज्ञान का आत्मस्वरूप विज्ञान का अवभाष होता है, प्रकाश होता है, जो वृत्ति है अंतकरण परिणाम वृत्ति है, वृत्ति स्वच्छ होने के कारण वो अभिव्यंजक है आत्मा चैतन्य का प्रकाश का, जैसे सूर्य किरण पत्थर में पड़ता है
दर्पण में गिरेगा। पत्थर में होता है तो पत्थर बहुत चकमकर नहीं दिखता है, काला पत्थर ऐसे है तो ऐसे दिखता है, और पत्थर हुई पत्थर यदि घिस करके साफ हुआ उसमें चकमक आ जाता है, स्वच्छ हो जाता है। दर्पण में हो तो दर्पण में प्रकाश अगर देखो दर्पण देख नहीं सकते, किरण प्रतिबिंबित हो जाता है। कभी कभी दूर में पानी में से सूर्यकिरण दिखता है तो देख नहीं पाएंगे, ऐसे हो जाता है। तो क्या हुआ, स्वच्छ होने से उसका अभिव्यंजक है दर्पण, उसे प्रतिबिंबित हो जाता है। इसी प्रकार ये अंतकरण वृत्ति, अंतकरण स्वच्छ है तत्वगुण का कार्य, उसमें वृत्ति वही अंतकरण का परिणाम, वो चैतन्य की अभिव्यंजिका, चैतन्य का उसमें प्रतिबिंब जैसे दिखता है, प्रतिबिंब होता है दर्पण जैसे प्रतिबिंब पत्थर में नहीं होता है। इसी प्रकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब वही आभास, आत्मविज्ञान से अवभास, अभास भान, अभास भान भान होता है, वही प्रतिबिंब हुआ तो भान हुआ। चंद्र का भान होता है जल में, जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है, तो जल को देखो तो जल में चंद्र दिखता है। इस प्रकार वृत्ति में चैतन्य का अवभास हुआ, आत्मविज्ञान से अवभाषा येसु विज्ञानेशु, वो विज्ञान से हुआ आत्मविज्ञान अवभाषा, विज्ञान शब्द वाच्य देखो दिया, आत्मविज्ञान अवभाषाश्च ते विज्ञान शब्द वाच्याश्च, आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान अवभाष वही विज्ञान शब्द का वाच्य अर्थ हुआ, वही विज्ञान शब्द से कहा जाता है। विज्ञान शब्द का वाच्यार्थ, विज्ञान तो शुद्ध चैतन्य ज्ञान है, वाच्यार्थ हो गया जो विषयाकार वृत्ति, जिन वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब विशिष्ट वृत्ति को, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को, अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान शब्द से कहते। अंतकरण का परिणाम वृत्ति हुई, घटाकार पटाकार वृत्ति हुई, ये वृत्ति हुई वो आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर के आत्मविज्ञान उसमें दिखता है, प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित होने से जो वृत्ति है आत्मविज्ञान प्रतिबिंब युक्त हो गई, वही वृत्ति है ज्ञान अभिज्ञान शब्द से कहा जाता है, विज्ञान शब्द का वाच्य। घट ज्ञान उत्पन्न हुआ, घटाकार वृत्ति की उत्पत्ति हुई, घटाकार वृत्ति जो उत्पत्ति होती है घटाकार वृत्ति चिदा चैतन्य का प्रतिबिंब से युक्त है। आत्मविज्ञान से अवभास जी वृत्ति में अवभास है प्रतीति प्रतिबिंब, आत्मविज्ञान का प्रतिबिंब जिसमें होता है वो जब दिखेगा, वृत्ति जो घटाकार वृत्ति उत्पत्ति होती है उसमें आत्मविज्ञान का प्रतिबिंब है ही, चिदाभास जिसको कहते, चिदाभास से युक्त होकर के वृत्ति की उत्पत्ति हुई, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति हुई, वृत्ति चैतन्य के द्वारा प्रकाश, साक्षी चैतन्य उसको प्रकाश करता है, साक्षी चैतन्य से प्रकाशित है, साक्षी चैतन्य प्रतिबिंब से युक्त हो गया, युक्त होने से चिदाभास विशिष्ट वृत्ति उत्पत्ति की उत्पत्ति हुई। जो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति है इसको ही ज्ञान शब्द का वाच्यार्थ कहा। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को या अन्य प्रकार भी कहते, वृत्ति अभिवत चैतन्य को, घटाकार पटाकार वृत्ति हुई, वृत्ति के द्वारा शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई, तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य उसको शास्त्र में कहते वृत्ति इद्ध बोध, वृत्ति से इद्ध इंद्रिय दीप्त प्रकाशित, वृत्ति अभिव्यक्त बोधे चैतन्य, वृत्ति इद्ध बोध वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, अरे बोधे धा वृत्ति बोध से प्रकाशित वृत्ति, बोध हो गया आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान प्रकाश युक्त आया आत्मविज्ञान ने व्याप्ता, आत्मविज्ञान से व्याप्त वृत्ति, आत्मविज्ञान से व्याप्त होने से वृत्ति जड़ होने पर भी प्रकाशित हुई, इसको क्या कैसे कहते, बोधे धा वृत्ति, बोधे चैतन्य आत्मविज्ञान उसे दीप्त इंद्रिय दीप्त दीप्त प्रकाशित, आत्मविज्ञान से प्रकाशित वृत्ति इसको क्या कहेंगे, बोधेधा वृत्ति। देखो आत्मविज्ञान ने व्याप्ता, आत्मविज्ञान व्याप्त करने से आत्मविज्ञान बोध, बोध से व्याप्त प्रकाशित वृत्ति, आत्मविज्ञान व्याप्ता उत्पन्न देते बोधेधा वृत्ति, और वृत्ति के द्वारा भी होते चैतन्य, इसे दोनों प्रकार कहते, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति अभी होते चैतन्य, ये घट ज्ञान पट ज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञान शब्द का वाच्यार्थ है।
आत्मविज्ञान अभाषा, आत्मविज्ञान से अभाषा येषु विज्ञान शब्दवाच्येषु ते आत्मविज्ञान अभाषाश्च ते विज्ञान शब्दवाच्याश्च वही धात्वर्थ भूत हो गया व्यापार वृत्ति ज्ञान, ज्ञान का वाच्यार्थ हो गया वही धात्वर्थ होता, धात्वर्थ होकर के आत्मनैव वो तो हो गया धात्वर्थ, ज्ञान हुआ, ज्ञान है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, चैतन्य उसमें दिखने से प्रतिबिंबित होकर से दिखने से क्या कल्पना करते हैं आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ। आत्मन एव धर्मा, आत्मा का धर्म इसे कल्पना करते हैं क्योंकि आत्मा उसे अभिव्यक्त होता है, आत्मा का धर्म कहते कल्पना करते। जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब हुआ, जल में कंपन हुआ था आकाश का कंपन दिखता है, वो कंपन किसका धर्म है, जल का कंपन, किंतु आकाश का कंपन इसे दिखता है जो प्रतिबिंबित आकाश। इसी प्रकार जो चैतन्य से प्रकाशित है वो चैतन्य आत्मा का धर्म ये हो गया, ऐसे कल्पना करते अभिवेकी विक्रिया, जो विक्रिया है वो प्रतिबिंब में है दिखता है, वस्तु तो उपाधि में है, वृत्ति में है विक्रिया, वो दिखता है प्रतिबिंब में, तो उसमें ये विक्रिया कल्पना करते आत्मनैव धर्मा, आत्मा का धर्म ज्ञान को मानते हैं वो विक्रिया रूप इति परिकल्प्यते कई अभिवेक। ये विवेक नहीं होता है तो बच्चा कहता आकाश हिल रहा है, कंपन जल का कंपन वो किसका धर्म कल्पना करता है आकाश का धर्म, विवेक नहीं होने से आकाश उसमें प्रतिबिंबित है, आकाश का कंपन है ही नहीं, प्रतिबिंबित आकाश में कंपन दिखता है, कंपन है तो जल का, ऐसे वृत्ति में परिणाम हुआ, वृत्ति में विक्रिया है, अंतकरण की विक्रिया है, परिणाम है वो वृत्ति, वो परिणाम को कल्पना करता है चैतन्य, क्योंकि चैतन्य दिखता है वहाँ, दोनों वृत्ति भी है और चैतन्य भी है, जल है आकाश का प्रतिबिंब है, इसमें वृत्ति भी है और चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास है, तो चैतन्य होने से चैतन्य का धर्म आत्मा का धर्म जो विकार रूप वृत्ति ऐसे अविवेकी भी परिकल्पते। इसको लेकर के तत्तार्किक लोग कहते ज्ञानाधिकरण आत्मा, जो धर्म है धातुअर्थ तो हो गया ज्ञान, जो विज्ञान स्वतः वाच्य है वो विक्रिया आत्मा में ऐसे कल्पना करते, धात्वर्थ होता विज्ञान सदवाच्य हो गया ज्ञान, उसका किसका धर्म कल्पना करते है आत्मा का धर्म हो गया, तो धर्म का अधिकरण कौन होगा आत्मा, तो ज्ञान अधिकरण आत्मा, वो ज्ञान तो ही वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान का अधिकरण आत्मा, यद्यपि वृत्ति जो है उसका आश्रय अंतकरण है, अंतकरण आत्मा का प्रतिबिंब होने से अंतकरण आत्मा एक लगने से अंतकरण में जो आश्रित है वो आत्मा में दिखता है, अंतकरण है वृत्ति का आश्रय, वृत्ति किसका परिणाम है, अंतकरण का परिणाम वृत्ति कहाँ रही, अंतकरण में, अंतकरण आत्मा का प्रतिबिंब तो होने से दोनों का तादात्म्य होने से अंतकरण के धर्म जो वृत्ति ज्ञान वो दिखता आत्मा का धर्म, आत्मा धर्म करण से आत्मा धर्म ज्ञान हो गया और ज्ञानाधिकरण आत्मा इसे लक्षण करते, धर्म है अंतकरण का अभिवेकी परिकल्पते। यह हो गया तो उसमें धात्व अनित्यत्व परतंत्रता नहीं है, तो ज्ञान नित्य हो गया, नित्यम चेज ज्ञानम तरी तत्र ब्रह्मण कर्तृत्व भावे, ज्ञान नित्य हो गया, नित्य का कर्ता कौन होगा, नित्य चेज ज्ञानम तरी ब्रह्म उसका कर्ता बनेगा, ब्रह्म हो कोई भी हो, अब ब्रह्म से कौन दूसरा होगा बड़ा, नित्य ज्ञान को ब्रह्म भी बना सकता है, नित्य कौन बनेगा, तो ब्रह्मण कर्तृत्व भावे, ब्रह्म में कर्तृत्व नहीं रहा क्यों ज्ञान नित्य हो गया, तभी ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे बनेगा, सर्वम जानाति सर्वज्ञ ज्ञानम करोति, ज्ञाता होता है ज्ञान करता, सर्व विषय के ज्ञान का कर्ता होगा तो ब्रह्म में सर्वज्ञ तो आएगा, ज्ञान नित्य हो गया तो सर्व विषय के ज्ञान का कर्ता ब्रह्म बनेगा, ब्रह्म में ज्ञान कर्तृत्व तो आएगा, ज्ञान कर्तृत्व तो नहीं होगा तो सर्वज्ञ तो कैसे होगा, कथम सर्वज्ञत्वम इत्यतः सर्वभावानां, भाष्य में पहले यत्तु ब्रह्मणो विज्ञानम, ये ब्रह्म का जो विज्ञान है तत्सवित्र प्रकाशवत् अग्नि उष्णवच्च
ब्रह्मस्वरूप अव्यतिरिक्त स्वरूपमेव तन्न कारकांतर सव्यपेक्षम। ब्रह्म का जो विज्ञान, ब्रह्मस्वरूप जो विज्ञान है व्यतिरिक्त, सूर्य का जैसे प्रकाश, सूर्य अलग प्रकाश से उत्पन्न होता है, सूर्य उसको प्रकाश उत्पन्न करता है, ये नहीं, सावित्री प्रकाश हुआ था। अग्नि उष्ण बच्चा, अग्नि में उष्ण स्पर्श है, अग्नि उष्ण स्पर्श क्या है, उष्ण स्पर्श का कर्ता अग्नि है, बनाता है, कभी नहीं था उष्ण, आगे क्या उत्पन्न उत्पन्न ऐसा नहीं। सावित्री प्रकाशवत अग्नि उष्ण बच्चा वो वन ब्रह्मस्वरूप अव्यतिरिक्तम, ब्रह्मस्वरूप से भिन्न है ही नहीं ज्ञान, वही ब्रह्मस्वरूप है विज्ञान। सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न, सूर्य रूप अग्निशन एक ही रूप तन्मात्रा का अग्नि कहते, तार्किक लोग तो कहेंगे कार्य उत्पन्न होता है तो उसके गुण उत्पन्न होता है, अग्नि की उत्पत्ति हो गई तो अग्नि में उष्ण स्पर्श की उत्पत्ति होगी एक क्षण के बाद, ये तार्किक लोग बताएंगे, वो तो अलग प्रक्रिया समझाने के लिए, द्रव्य गुण कर्म आदि को समझने के लिए अलग प्रक्रिया, क्योंकि जो रूप तन्मात्रा अग्नि की उत्पत्ति उष्ण स्पर्श वाला ही है, जल परमाणु है जैसे उसका गुण है नित्य रस रूप आदि है स्पर्श है तद विशिष्ट होकर उत्पन्न होता है, हमको अनुभव होता नहीं होता है इसके लिए अलग अलग है, किंतु तद धर्म वाला ही उत्पन्न होता है, इसलिए ब्रह्मस्वरूप विज्ञान तो यहाँ तो भिन्न है ही नहीं, वहाँ जिस अग्नि उष्ण आदि सूर्य प्रकाश एक ही है अलग है ही नहीं। ब्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तम स्वरूपमेव विज्ञानम, ब्रह्म का विज्ञान ब्रह्मस्वरूपात अव्यतिरिक्तम, व्यतिरिक्त न भिन्न न ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्म अभिन्न स्वरूपमेव तत्, ब्रह्म का विज्ञान ब्रह्म का स्वरूप का मेरे स्वरूप हमारे स्वरूप, हम अलग और स्वरूप अलग है, हमारे आत्मा हमारे स्वरूप, वो हमारे कहते स्वयं देहादि को हम मान करके आत्मा को भिन्न कहते हैं, क्यों स्वरूप ही स्वयं है। स्वरूप क्या है, स्वस्य रूपम स्वरूपम, स्व का रूप जो स्वरूप है स्व अलग रूप अलग ही, वो स्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म ही है तन्ना, और जो ब्रह्म है नित्य ज्ञान किसी कारण से उत्पन्न होगा, कारण की अपेक्षा करेगा नित्य, कारणांतर न कारणांतर सभ्य अपेक्षा, अन्य किसी कारण की अपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं, स्वरूप सूर्य है तो प्रकाश है, अग्नि है तो संस्पर्श है, कोई कारण की अपेक्षा नहीं करता है, क्यों नित्य स्वरूप तो वो नित्य स्वरूप ही है, तो ब्रह्म में जो विज्ञान स्वरूप नित्य स्वरूप है उसकी उत्पत्ति नाश नहीं है, वो तो गौण ज्ञान का गौण अर्थ है औपाधिक, विज्ञान शब्द का वाच्यार्थ होता है अंतर्गण वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, शुद्ध चैतन्य नहीं है वृत्ति से उपाहित होकर के, ऐसे आकाश नित्य होने पर भी घटाकाश को अनित्य कहते, वो ज्ञान स्वरूप नित्य स्वरूप। अभी सर्वज्ञ कैसे होगा, ये प्रश्न, ज्ञान नित्य हो गया तो सर्वज्ञ कैसे होगा, सब किसी के ज्ञान का कर्ता ही नहीं हुआ ब्रह्म, इसके कहते सर्वभावान च तेन अभिव्यक्त देश काल त्वात, ब्रह्म व्यापक है क्या, व्यापक है, ज्ञान उससे भिन्न है ना, ज्ञान व्यापक है या परिचन है, एक हो गया व्यापक हो गया, ज्ञान जो ब्रह्म रूप ज्ञान है, जितने पदार्थ जहाँ कहाँ देखो, जितने पदार्थ वह पदार्थ है ब्रह्म रूप ज्ञान से भिन्न विभक्त होकर के अलग उत्पन्न हो गए, सर्वभावानां च तेन अभिव्यक्त देश कालत्वात्, अभिव्यक्त देश अभिव्यक्त काल, ब्रह्म सर्व पदार्थ है तो उसमें ब्रह्म है, जहाँ कोई पदार्थ उत्पन्न होगा ब्रह्म वहाँ है, या ब्रह्म वहाँ जाकर पहुँचना पड़ेगा, ईश्वर सर्वत्र है, जहाँ कोई कार्य हुआ, कोई छिप करके कुलाला घट बना रहा है वहाँ ब्रह्म है परमात्मा है, कोई चोरी करता है छिप करके गलत कर्म करता है परमात्मा है सर्वत्र है, सर्वत्र उनसे कहते हैं ना अभिभत देश काल, तो विभत देश काल नहीं, भिन्न देश भिन्न काल नहीं, जितने पदार्थ है कालाकाश आदि कारण तो काल आकाश आदि का भी सबका कारण है, तार्किक लोग तो काल आकाश को नित्य कहते, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म है सदैव समिधम अग्र आसित,
सृष्टि के पहले एक अद्वितीय ब्रह्म है, और ना काल ना आकाश कुछ नहीं, उसी से आकाश आदि की उत्पत्ति। आकाश काल आकाश आदि का भी कारण ब्रह्म। आकाश कितने सूक्ष्म है, उसका खंडन भेदन छेदन दहन नहीं होता है, किसके साथ संसर्ग नहीं होता है, उसका भी जो कारण है ब्रह्म। और कितने सूक्ष्म है आकाश, सर्वव्यापक सबके अंदर, जहाँ कोई नहीं जहाँ आकाश नहीं, सर्वव्यापक, उससे भी सूक्ष्म है ब्रह्म। निरतिशय सूक्ष्म, उससे बढ़कर अब कोई सूक्ष्म निरतिशय नास्ति, अतिशय स्मार अविद्यमान अतिशय स्मार, ऐसा सूक्ष्म है ब्रह्म। न तस्य और सर्वव्यापक के सारे पदार्थ उसमें संबद्ध है, और उसके द्वारा जानने के क्या वस्तु है, अभिज्ञा क्या है, सब उससे प्रकाशित है। न तस्य अन्यत अभिज्ञेयम, अभिज्ञेय विज्ञे से भिन्न अभिज्ञेयम सूक्ष्म, कोई सूक्ष्म पदार्थ हो उसे दूर में व्यवहित होगा, व्यवहित हो तो व्यवधान हो गया, अथवा विपक्ष दूर हो गया, कितने हो गया अभिज्ञेय ब्रह्म से भिन्न कितने पदार्थ है, ब्रह्म से सूक्ष्म को है, ब्रह्म से व्यवहित बीच में व्यवधान हो जाएगा, दीवार आदि ब्रह्म एक तरफ घटा की तरफ ऐसे हो जाएगा। कुलाल घर में घट बना रहा है, आप यहाँ बैठे आपको दिखता नहीं, ब्रह्म को दिखेगा, ब्रह्म बाहर बैठेगा उतर सर्वव्यापक व्यवहित भी नहीं, और दूर बहुत दूर में जाकर कोई कुछ कर रहा है तो ब्रह्म को पता चलेगा। विपकृष्ट ब्रह्म से विपकृष्ट कोई सर्वव्यापक है, ऐसे कोई पदार्थ अतीत में नहीं हुआ था, वर्तमान में भी नहीं, आगे भी नहीं होगा, कोई पदार्थ आगे उत्पन्न होगा जब ब्रह्म से व्यवहित हो करेंगे, ब्रह्म से सूक्ष्म व्यवहित कुछ है ही नहीं। भूतम भवत भविष्यत वा न तस्य अन्यत अभिज्ञम अस्ति, अभिज्ञ कुछ है ही नहीं, सब ज्ञात है, इसे तस्मात सर्वज्ञ सबका प्रकाश करता है, ब्रह्म सब को प्रकाश करता है, ब्रह्म सर्वप्रकाशक सर्वप्रकाशक सर्वज्ञ तत्ब्रह्म, ब्रह्म सर्वज्ञ है। ये जीव कब ईश्वर का चिंतन करे, नहीं चिंतन करे, ईश्वर जीव को जानता है देखता है, जैव जीव जड़ जो कुछ है सब को प्रकाश करता है, तब सर्वज्ञ सर्व नित्य ज्ञान ज्ञानवान ईश्वर है, तो सबका प्रकाश होता है, पुण्य पाप करता है तो ईश्वर जानता है, फल देने वाला भी वही है, सर्वत्र सबका प्रकाश, अभिज्ञ कुछ अलग है ही नहीं, इसलिए सर्वज्ञ तत्ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा तो क्या होगा, सर्वज्ञ हो गया, अभी सर्वज्ञ हो जाएगा तो क्या सब भाषा भी सब भाषा को बोलने लगे, सर्वज्ञ हो गया सब भाषा में बोलो, जो भाषा कहो वो भाषा ही समझ लेगा, उससे परिचय हो जाएगी, कुछ भाषा सीख लेगा, सब भाषा नहीं, कोई एक बार कभी बताया था विदेश में कोई है कुछ को बता करके, क्या किसके अवतार बताता था, अवतार नहीं चिरंजीवी है ना, असत्थमा बलिव्यास हनुमान से विभूषण कृपा, हाँ कृपाचार्य कहता था, कृपाचार्य उनको मिले थे विदेश में कोई 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 साधु निकल के बहुत लंबा, वो कृपाचार्य इंग्लिश भी जानते हैं संस्कृत तो पूछो उनसे संस्कृत तो नहीं जानते, कृपाचार्य इंग्लिश से पढ़ते, ऐसे कोई कोई बताया विदेश से, कोई दो दूसरे साधु है, दूसरे साधु में ये साधु उसके पास वो बताया तुम्हारे पास कृपाचार्य आए थे, साधु यहाँ बैठ कर बोल रहा है, तो आपके पास कृपाचार्य आए थे मिले थे, तो आए थे कोई लंबा ही कर महात्मा आए थे लंबे होकर, तो ये कोई दो तीन साधु मिल करके उसको ऐसे करके ठग देते, कोई हम वो बाबा भी अभी है, वही जो बोलने वाले भी वही जो मलेशिया से सरस्वती बताया था, ऐसे कई बताया था हमको, तो वो किसको कृपाचार्य कह करके वो कभी कभी किए, हाँ उसको कई रास्ते मिल जाते हैं मलेशिया में ऐसे, तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा ऐसा नहीं, सब भाषा को जानने का किसके मन में क्या बात जाने, और सर्वज्ञ ही है सर्व का प्रकाश है, सर्वज्ञ सर्वम च तद्ज्ञ च सब उसमें, और क्या ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ है क्या,
तो ब्रह्म को जानने तो अभिज्ञ और क्या रहा कि पता तो है ही नहीं। अभिज्ञ सर्वज्ञ ही है ब्रह्म, सबको ब्रह्म जान लिया। ब्रह्म उपचर्य थे सर्वज्ञ ब्रह्म, देखो ब्रह्म के लिए भी सर्वज्ञ, ब्रह्म के लिए जो सर्वज्ञ कैसे हुआ, उपचर्य थे सर्वज्ञ ब्रह्म उपचर्य थे, वो भी उपचार। सर्वम जानाति सर्वज्ञ नहीं, उसे भिन्न कोई अभिज्ञ है ही नहीं। व्यवहित नहीं, अतीत नहीं, अतीत वर्तमान नहीं, भविष्य नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ उसे अतिरिक्त व्यवहित है ही नहीं, इसे सर्वज्ञ ब्रह्म। रेफ नहीं है उपचर्यते, हाँ उपचर्यते में यह के बरे को बनाना है। नित्यम ज्ञान ब्रह्मणि विद्यते इत्यत्र मंत्र समाधि वाह। ब्रह्म में नित्यम ज्ञान विद्यते, ज्ञान कभी है कभी नहीं, जैसे जीव हमेशा नहीं। नित्यम ज्ञान वो नित्य ज्ञान क्या हो रहा है, वो स्वयं ज्ञान रूपये विद्यते भी। हाँ टिप्पणी में कहता है विद्यते, ब्रह्म में ज्ञान रहेगा किस अंत से रहेगा, स्वयं तो स्वयं समवाय रहेगा, तद्रूप है। इसे टिप्पणी है तादात्म्य नित्य द्रष्टव्यम, ब्रह्म में नित्य ज्ञान रहता है तादात्म्य न तद्रूप। ये तादात्म्य मीमांसा का तादात्म्य नहीं है, मीमांसा तादात्म्य तो समवाय के स्थान पर तादात्म्य कहते, ये भेद सहिष्णु भेद जो है मीमांसा कहते, ये नहीं है। ब्रह्म में जो नित्य ज्ञान है वो ज्ञान कैसे तादात्म्य न, न्याय का अभिप्राय से जो तादात्म्य लेना, न्यायमत्व जो तादात्म्य तद अभिन्न रूप। इति मंत्र सम्मति महा मंत्रवर्णाच मंत्रवर्णाच मंत्रवर्ण अपानी पादो जबनो गृहीता पश्यत्चक्षुष शृणत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न चतस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्नियम पुरुषम महांतम श्वेता से दुर्गुण से देवाया। अपानी पादो पानी च पादो चैति पानी पादम अविद्यमानम पानी पादम यस्य स अपानी पाद पाद नहीं हाथ नहीं फिर भी जवन हो शीघ्र चलने वाला ग्रहिता ग्रहण करने वाला हाथ नहीं होने पर अपाद होकर के जवन अपानी होकर ग्रहिता और अचक्षु क्षण पश्यति पश्यति अचक्षु चक्षु रहित होकर के नित्य देखता रहता है और अकर्ण शस्त्रोति कान रहित होकर सुनता है। तस्य सवेति वेद्यम जितने वेद्य सब को जानता है न च तस्यास्ति वेत्ता हो उसको जानने वाला कोई नहीं। वो कौन ऐसा है तम आहु अग्रियम अग्रे भव सौ के आदि में वही पुरुष है वही महान है पुरुष महानतम वही ब्रह्म है। नहीं विज्ञातर विज्ञातर विपरलोप विद्यत अविनाशित्वान न तो तद्वितीयम अस्ति इत्यादि श्रुते। विज्ञाता का जो स्वरूप होता ज्ञान विज्ञाति विज्ञाति स्वरूप होते चैतन्य चैतन्य उसका विज्ञाता हो गया पहले दृष्टा उसका जो स्वरूप ज्ञान है उसका विपरलोप नाश न विद्यते अविनाशित्व तो अविनाशी नित्य है अविनाशित्व विनाश का योग्य नहीं। विपरलोप न विद्यते नाश नहीं होता है नाश नहीं होता है कि हेतु अविनाशी है अविनाशी का अर्थ नाश नहीं होता है इसे दोनों में भेद करना पड़ेगा। अविनाशित्वाद विनाश नहीं होता है अविनाशी कहते विनाश जिसका नहीं हुआ अविनाशी अविनाशित्वा तो कहते नाश नहीं होता इससे नाश नहीं होता है इसलिए क्या करना पड़ेगा अविनाशित्वा तो कहा था नाश की योग्यता नहीं है टिप्पणी दे दिया अविनाशित्वाद तो अर्थ क्या विनाश अयोग्यवाद अविनाशित्व हेतु है विनाश के योग्य नहीं है विनाश की योग्यता जिसमें नहीं विनाश के लिए योग्य जो नहीं होगा उसका नाश हो जाएगा नाश क्यों नहीं होगा विनाश अयोग्यत्वाद दो अर्थ भिन्न भिन्न हो गया न तस्य नाश तो होती विपरलोप विद्यते विपरलोप विनाश न विद्यते विनाश अयोग्यत्वाद न तो तद्वितीयम अस्ति उसे भिन्न कुछ है ही नहीं इत्यादि श्रुतेश्च। टीका में आगे ब्रह्मा नित्यम ज्ञानत्वात् लौकिक के ज्ञानवत ये सरल है लोके में घट ज्ञान पट ज्ञान नष्ट होता है ना नहीं उत्पन्न होता है अनित्य अनित्य लौकिक ज्ञान अनित्य यत्र तत्र ज्ञानत्व तत्र अनित्यत्व ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान तोरण से वहाँ क्या रहेगा अनित्यत्व
और व्यभिचार कहाँ का कौन ज्ञान से बताओ, नित्य ज्ञान कोई है दिखा बताओ, एक ही तो ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है, नित्य एक है, वहाँ विवाद है, आपको तो नित्य अनुमान करने वाले क्या कहेगा, वो भी अनित्य है, अकस्मात अनित्यम ज्ञान तो दृष्टांत लौकिक ज्ञान, लौकिक जितने ज्ञान देखो सर्वत्र सो अनित्य है, ब्रह्मा अनित्यम ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञान इत्यादि शोध्यम जो आक्षेप है अपि अयुक्त युक्त न्याय न निरर्थम, इस न्याय से निरर्थ हो गया, वो ज्ञान नित्य ही ज्ञान है, वो अन्य ज्ञान तो वस्तु तो ज्ञान तो उसमें है ही नहीं, जो ज्ञान तो शुद्ध है ये तो ज्ञान और घटपटादि ज्ञान वो गौण है, वस्तु तो ज्ञान नहीं है। विज्ञाति स्वरूप, विज्ञाति स्वरूप अव्यतिरेकात् कर्णादि निमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्राह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वेति नित्यत्व प्रसिद्धि अतो नैव धात्वर्थ तद क्रिया रूपत्वात्। हाँ, इसके बल दिया लौकिक ज्ञान जो दृष्टांत दिया है, दृष्टांत लौकिक ज्ञान अनित्य है, क्यों है, लौकिक ज्ञान से कर्णादि सापेक्षत्वात् अनित्यत्वम्, लौकिक ज्ञान कर्ण सापेक्ष है, प्रमाण सापेक्ष है, कर्ण सापेक्ष विशेष सापेक्ष हो कर्णादि सापेक्षत्वात् अनित्यत्वम्, आत्मस्वरूप जो ज्ञान है नित्य ज्ञान, उसके लिए कर्ण चाहिए, विषय चाहिए, आश्रय चाहिए, कुछ नहीं अधिगण, आत्मस्वरूप तो ज्ञान न कर्णादि सापेक्षम, ऐसे कैसे हो सकता है, कर्ण के बिना ज्ञान कैसे रहेगा, इंद्रिया नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं, विषय नहीं, ज्ञान कैसे होगा। कहते परमात्मा के लिए आप स्वयं देखो, सुश्रुति काल में वो देखाएंगे, सुश्रुति काल में कैसे कर्णादि व्यापार नहीं होने पर भी ज्ञान रहता है, ये दिखा देंगे ईश्वर ज्ञान के, अपने स्वयं में देखो सुश्रुति काल में भी ज्ञान रहता है कर्णादि के बिना। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओ